हाँ जी, हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से, स्टार्ट से ही कर रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर से। देखते हैं इसमें क्या है। इकोनॉमिक्स जो होता है, देखो इसके फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से बोलते हैं एडम स्मिथ। इसकी जो बुक का नाम है वो क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो इसने बुक लिखी है, उसी में इसने डिफाइन किया है कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये कहता है स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वेल्थ एंड नेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड नेशन। बेसिकली अगर एक कॉमन मीनिंग की बात करें इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक स्टडी करता है किसको, कॉजेज ऑफ जो आपके रिसोर्सेज है, वो जो स्कार्सिटी और रिसोर्सेज उसका, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर रिसोर्सेज, जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको अनलिमिटेड नीड्स पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये इकोनॉमिक्स में होता है आपका। तो इकोनॉमिक्स में क्या कहता है, बेसिकली स्टडी था आपका जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, रिसोर्स प्रॉब्लम है, उसके कॉजेज क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें स्टडी करता है आपका इकोनॉमिक्स। एक वर्ड होता है आपका जो आपने पढ़ा है, वो होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो फर्क समझते चले जाना, दोनों में फर्क क्या है आपका। इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसमें पीपल की भी हो सकती है, थिंग्स की भी हो सकती है, कंसेप्ट हो सकती है, सब हो गई। बिजनेस इकोनॉमिक क्या होता है, ये जो आपका स्टडी करता है वो स्टडी करता है टू स्टडी द बिजनेस प्रॉब्लम। इसमें स्टडी की जाती है बिजनेस प्रॉब्लम की। अब बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, अब वहाँ पर प्रॉब्लम है हाउ टू इंक्रीज डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड हो गई, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, आप वहाँ पर कैसे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, कॉस्ट को कैसे अरेंज करेंगे, ये सब चीज़ें आती है आपकी किसमें, आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम में। रिवेन्यू कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे, सब आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में आ गए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी क्या, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, ध्यान से सुनना आप। देखो सभी के मीनिंग अपने अपने अलग है, अब ये दो चीज़ों से मिला बना है, मैनेजमेंट प्लस में इकोनॉमिक्स। अब ये क्या करता है, ये यूज करता है क्या, इसकी जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसकी जो लॉजिक है, इसके जो मेथड्स है, इसकी जो टेक्निक्स है, किसकी, इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट, लॉजिक, मेथड्स, टेक्निक्स, ये सब को यूज करता है डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैनेजमेंट को अवेलेबल कराता है। किस पर्पज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तीनों मीनिंग क्लियर हो गए आपको। ये स्टडी करता है ओवरऑल स्टडी, ये करता है आपका बिजनेस प्रॉब्लम, ओनली बिजनेस प्रॉब्लम के साथ ये कंसर्न होता है, ठीक है। और ये जो स्टडी करता है, ये जो बिजनेस की जो भी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स की जो भी प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट को अवेलेबल कराता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तीनों को डिफ्रेंशिएट करो, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तीनों के मीनिंग आपको बीच अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि डिफाइन, ऐसे आ जाता है डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब वहाँ पर लोग लिखे आते हैं इकोनॉमिक्स से मीनिंग कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स और नीड्स, इस तरीके से लिखे आते हैं। वो अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़िए, वो आप समझिए कि इकोनॉमिक्स और आपकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें क्या फ़र्क है, मैजल इकोनॉमिक्स है उसमें क्या फ़र्क है, तीनों आपके अलग अलग है ही आपके। अब बात आती है इसकी नेचर। देखो आपने पढ़ाया, आप पढ़ा हुआ है जब आप प्लस वन में थे, बीकॉम में थे, कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो आपकी माइक्रो इन नेचर होती है और दूसरा कौन सी होती है, मैक्रो। माइक्रो भी होती है और मैक्रो भी होती है। माइक्रो है आपकी क्यों, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी होगी, जहां पर स्टडी किसकी होगी, इंडिविजुअल्स की, ठीक है, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की, कंपनी की, पर्सन की, ये सब क्या है, इंडिविजुअल स्टडी माइक्रो लेवल पर होती है। मैक्रो क्या होती है, आपकी एक एग्रीगेट में स्टडी हो रही हो, आपकी ओवरऑल स्टडी हो रही हो, है ना, वो क्या होगी आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल आप जीरो से पढ़ रहे हैं, मेरी ये अजम्पशन है कि आपको अभी कुछ नहीं आता, लेकिन आप सीखना बहुत अच्छे से चाहते हो। अब देखना आपको इकोनॉमिक्स कैसे आती है, बस आपको बारीक से बारीक चीज़ें बताई जाएंगी, आपने समझनी है वो, ठीक है। अभी आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स जो होती है वो माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी होती है, मैक्रो आपकी ओवरऑल स्टडी होती है, एग्रीगेट ओवरऑल की, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है और कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी, आपने बतानी है। देखो आपने बहुत बार चीज़ें पढ़ी है, क्या ये चीज़ पढ़ी है, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ी है,
है ना। आपने ये भी पढ़ा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी पढ़ा है ना, हाँ जी आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये भी पढ़ा है आपने, ये भी पढ़ा है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, है ना, आपने ये भी पढ़ा है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, आपने ये भी पढ़ा है थ्योरी ऑफ रेंट, आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है बिजनेस प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस साइकिल, ये सब आपने पढ़ चुके हो एग्जाम, मतलब जब भी आपने स्टडी की इकोनॉमिक्स, ये पढ़ चुके हो और अभी भी पढ़ोगे। अब मुझे बताना आपने माइक्रो का मतलब होता है, ध्यान से सुना, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पर और मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट लेवल पर। अब आपने ये सोच के बताना और सभी रिप्लाई करेंगे कि अपने अपने तरीके से सोच समझ के पार्टिसिपेट करके कि ये इनमें से कौन सी माइक्रो है कौन सी मैक्रो। मैं पूछता हूँ थ्योरी ऑफ डिमांड बताओ माइक्रो है या मैक्रो है, शाबाश बताइए, हाँ जी बताइए, क्या मैक्रो, हाँ जी आप लोग बताइए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स माइक्रो, कल बताया था आपको थ्योरी ऑफ डिमांड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं मार्केट में, प्रोडक्ट किसका है उस एक पर्टिकुलर कंपनी का है, है ना, जैसे आईटी में आप जैसे किसकी आप सिम कार्ड यूज कर रहे हो, डिमांड किसकी, आप सभी की डिमांड करते हैं क्या, सभी की नहीं कर रहे ना, और जैसे कि आपके लिए जैसे ओडी कार है आप पर कोई फर्क नहीं डाल रही बिकॉज आप उसके कस्टमर ही नहीं हो, उसके कस्टमर ग्रुप के लिए वो इफेक्ट करेगी, समझे आप। अब जैसे गूगल है, गूगल के आप सभी कस्टमर, तो गूगल के आप उसमें आ गए आपकी, अब थ्योरी ऑफ डिमांड उसके लिए एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड कैसे इंक्रीज की जाएगी, मेंटेन कैसे की जाएगी, ये उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो ये कौन सा हो गया आपका माइक्रो इन नेचर, ठीक है। प्रोडक्शन ये कैसा है बताओ, प्रोडक्शन कैसा है, प्रोडक्शन प्रोसेस, अब प्रोडक्शन ये देखिए दूसरों को देख के तो नहीं किया जाएगा, ओवरऑल भी नहीं किया जाएगा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल है तो क्या होगी ये भी आपकी माइक्रो। अब कॉस्ट भी, प्रोडक्शन के कॉस्ट क्या लग रही है, ये भी क्या होगी आपकी माइक्रो, उसी पर एक ही पे बात हो रही है सारी है। अब वो कितना रिवेन्यू जनरेट करेगा वो भी क्या होगी माइक्रो, ठीक है। बात आई प्रॉफिट की, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अब यहां पर एक चीज क्या आई देखो, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या बताती है कि आपकी मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे प्रॉफिट होंगे, यानी बिजनेस साइकिल भाई कैसा, रिसेशन चल रहा है, रिकवरी चल रही है, या बूम का मार्केट है, या कोविड की सिचुएशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट्स बनेंगे, है ना। आपके प्रोडक्ट की डिमांड एज कंपेयर टू कंपिटिशन कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, यानी ये आगे आपके पूरे के पूरे इकोनॉमी को लेके चलती है, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कंज्यूमर का लेवल ऑफ इनकम क्या है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, कंडीशन कहती है कैसी है मार्केट कंडीशन, कंपटीशन कितना, ये सब अफेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या होगी भी आपकी मैक्रो। थ्योरी ऑफ रेंट, देखो रेंट का क्या है, आप अगर रोहतक में रह रहे हो तो रोहतक के अकॉर्डिंग आपका वो लगेगा, रेंट लगेगा, है ना। आप गुरुग्राम में रह रहे हो तो गुरुग्राम के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग लगेगा, दिल्ली चले जाओगे तो दिल्ली का, यूएसए गए तो यूएसए। तो थ्योरी ऑफ रेंट भी क्या करती है, मैक्रो लेवल पर स्टडी करती है ना। इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है, तो वो भी क्या हुआ मैक्रो लेवल पे वो भी, और आपका बिजनेस साइकिल सभी के लिए होता है तो ये भी क्या हो गया मैक्रो लेवल पे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, हाँ जी बताइए, शाबाश, ठीक है, ओके आगे देखिए। आपने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट है, रिवेन्यू है, ये सारी चीजें, और बेसिकली इन चीज़ों को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, आपके हाथ में इंडिविजुअल लेवल पे है। तो ये कौन सी आई, कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट के फैक्टर भी बन गए सारे के सारे, है ना, कंट्रोलेबल है। आप देखो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, एडवर्टाइजमेंट कितना करना है सारी, प्रोडक्शन कितना करना आपके हाथ में है, कॉस्ट बिल्कुल आपके हाथ में है कि कितनी लगानी है, और रिवेन्यू ये भी आपके हाथ में, सेल्स के अकॉर्डिंग आपका रिवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ और बिजनेस साइकिल हुआ, ये आपके आउटसाइड में है, तो ये क्या हुए नॉन कंट्रोलेबल, एक्सटर्नल में आ गए, ये इंटरनल ही एक्सटर्नल में आ गए। मेरी बात आपसे ये है, अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है
वो क्या करता है, बिजनेस प्रॉब्लम को स्टडी करता है। बताओ माइक्रो है कि मैक्रो है? बिजनेस जो आपने बिजनेस इकोनॉमी किया, बिजनेस प्रॉब्लम को स्टडी करता है, तो ये बताओ कि ये आपका माइक्रो है या मैक्रो है? ये क्या हुआ आपका? माइक्रो है ना। और जो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, यानी ये सब इसी को स्टडी करता है, किसको? इसको। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? यूज ऑफ कंसेप्ट, लॉजिक, टेक्निक्स, टूल्स, ये सब यूज करना बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या होगा आपका? मैक्रो। तो ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ से भी उसको वो चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, और मैनेजमेंट को अवेलेबल कराएगा। तो आपका जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है, बोथ नेचर में, मैक्रो भी है माइक्रो भी है। बिजनेस इकोनॉमी क्या होता है? माइक्रो इन नेचर। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, बहुत अच्छा। आपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, लॉजिक कंसेप्ट एंड टूल्स ऑफ इकोनॉमिक अप्लाइड इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यही बताया ना, जो भी आपके टूल्स टेक्निक जो भी है, किसके इकोनॉमिक्स के डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करा दो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया। बिजनेस प्रॉब्लम को स्टडी कर लो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। स्टडी कर ली आपने किसकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, तो क्या होगी आपकी? इकोनॉमिक्स होगी। आगे समझ में अब आता है आपके पास क्या, कि इकोनॉमिक्स कैसे बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है, ये देखना आप इस प्रोसेस में आप लिखेंगे। पहले आपके कौन कौन से एरिया होते हैं मैनेजरियल डिसीजन एरिया में? सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपको किस में बिजनेस एरिया करना है, मतलब आपका एरिया क्या होगा बिजनेस एरिया, मतलब आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो। एजुकेशन में आना चाहते हो, टेक्सटाइल में जाना चाहते हो, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, सबसे पहले आपने क्या डिफाइन किया? बिजनेस एरिया। हमने क्या, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ मैनेजरियल डिसीजन एरिया, आप लिखते रहेंगे मैनेजरियल डिसीजन एरिया। तो आपने क्या बताया, सबसे पहले आपका बिजनेस एरिया कौन सा रहेगा, च्वाइस ऑफ बिजनेस कौन सा रहेगा, च्वाइस ऑफ बिजनेस आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसमें आपका, इसमें आपने बिजनेस पार्टिसिपेट करना है, ये इस तरीके का बिजनेस करना है, सबसे पहले आपका ये आया। दूसरा जो भी आया आपके प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा क्या लिखा आपने, च्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी देख लिया, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है या ये सर्विसेज देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपने डिटरमाइन किया क्या, ऑप्टिमम आउटपुट, क्या लिखा आपने, ऑप्टिमम आउटपुट, ठीक है। एंड देन आपके पास आया कौन सी टेक्नोलॉजी से आपने काम करना है, यानी च्वाइस ऑफ टेक्नोलॉजी, च्वाइस ऑफ टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी से काम करना है, ये सब आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आया आपके पास एक्विजिशन ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स कौन कौन से, इनपुट्स का मतलब होता है जिससे आपको काम कराना है, जैसे लेबर हो गया आपके पास, आपके पास हो गया कैपिटल हो गया, ये सब आपके पास, कैसे आपने कैसे एक्वायर करना है, किस कॉस्ट पर एक्वायर करना है, ये सब चीज़ें आ गया, ठीक है। उसके बाद आया प्राइस, आपने क्या लिखा, प्राइस ऑफ द आउटपुट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये डिसाइड किया। ये सब क्या है, डिसीजन एरिया है जिसकी, जो आपके इकोनॉमिक्स की वजह से आपका सोल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आया कि आपने असेसिंग किया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बिजनेस स्कोप, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्कोप, आपके लिए क्या स्कोप है। देखो अब ध्यान से देखिए आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आपने पढ़ाया कि आपके जो मैनेजर्स है बिजनेस है उसके कौन कौन से डिसीजन एरिया, किस किस के बारे में आपने डिसीजन लेना, बिल्कुल आसान सा है। आप देखोगे कि आपने बिजनेस क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखोगे आपका प्रोडक्ट क्या है, आप ये देखोगे उस प्रोडक्ट का ऑप्टिमम आउटपुट क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनेगा, किन फैक्टर से बनेगा, और उसका प्राइस क्या होगा, और आपके लिए क्या बिजनेस एनवायरनमेंट दिखा रहा है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और आपके लिए क्या स्कोप है। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ, आपने आपने क्या पढ़ा कि आपके कौन कौन से एरिया होता है। अब यह आता है कि कैसे आप इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप अप्लाई करते हो डिसीजन मेकिंग में। हम क्या लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिखते रहना है आप, एप्लीकेशन, और समझते रहना, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या आपका
रोल होता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है। सबसे पहले आप डिटरमाइनिंग करते हो, डिफाइन करते हो ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पार्ट क्या बना आपका, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। क्या बनाया आपने, ऑब्जेक्टिव्स बना दिया आपने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद देखो आपने डिफाइन कर लिया आपको क्या अटेन करना है, वो डिफाइन कर लिया। उसके बाद आपने बिजनेस रिलेटेड इश्यूज देख लिए कि आपके क्या क्या इश्यूज है, आपने उनको कर लिया आइडेंटिफाई। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उनको किया आपने आइडेंटिफाई, ठीक है। तीसरा आपने डेटा कलेक्शन किया, किस रिलेटेड, इन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रेलेवेंट डेटा, जो भी इन प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा है उसको आपने कलेक्ट किया और क्या कर लिया, एनालिसिस किया। उसके बाद आपने किया डेवलप अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है किससे वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। और उसके बाद आपने किया सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव को आपने कर लिया सिलेक्शन, और आपने किया डेवलप अल्टरनेटिव और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, और फिर आपने कर दिया इंप्लीमेंटेशन। देखो भाई ध्यान से देखना क्या आपने किया है। पहले आपने देखा आपकी बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, है ना। ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद देखो ध्यान से देखो आपकी, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले देखा आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के, देखा आपने कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव, किसी के ये हो सकता है कि आपको भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में एक आपको डोमिनेंट पोजिशन चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव रख लिया। आप ये देखोगे इससे रिलेटेड जो आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, भाई आपका एरिया कम है, ये कम है, वो सारी चीज़ आपने एनालिसिस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। इससे रिलेटेड आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया इससे रिलेटेड, इस इश्यूज से रिलेटेड। फिर आपने इनको एनालिसिस करने के बाद आपने ये बता दिया कौन कौन से अल्टरनेटिव है जिससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब कौन कौन से मेथड है जिससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और उसमें से आपने बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कर दिया उस डिसीजन का। ये है इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आया भाई समझ में, हाँ जी ठीक है।